हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें पूरी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी होगी। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहली सिलाई हमें पूरी सीधी बुननी होगी। जो नॉर्मल हम सीधा उल्टा बुनते हैं, वैसे हमें ये पूरी सीधी सिलाई बुनकर कंप्लीट करनी है। पहली सिलाई पूरी सीधी बुननी है, दूसरी सिलाई में हमें डिज़ाइन डालनी होगी। ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही प्यारी लगती है और बनाना इसे बहुत आसान है। ये कोई बिगनर्स भी बना सकते हैं आराम से। ये हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो रही है। पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमें हमारी दूसरी सिलाई है जिसमें हमें डिज़ाइन डालनी है। सबसे पहले हमें अपनी दूसरी सिलाई में हमें सबसे पहले 3 फंदों में 3 फंदा बुनना है। 3 फंदों में हमें 3 फंदा बनाना है। पहला ये, दूसरा फंदा ये, तीसरा फंदा ये, 3 फंदों में 3 फंदा बन गया। और ये एक उल्टा बुनेंगे हम, नॉर्मल उल्टा फंदा बुनेंगे। फिर हमें वैसे ही रिपीट करना है, 3 फंदों में 3 फंदा बनाना है। पहला, दूसरा और ये तीसरा। फिर हमें एक नॉर्मल उल्टा फंदा बुनेंगे। उसके बाद फिर से हमें वही रिपीट करना है, 3 फंदों में 3 फंदा बनाना है। फिर हम एक नॉर्मल उल्टा फंदा बुनेंगे। उसके बाद हमें फिर से 3 फंदों में 3 फंदा बनाना है। फिर से एक नॉर्मल उल्टा फंदा। फिर से हमें 3 फंदों में 3 फंदा बनाना है। फिर से एक नॉर्मल फंदा उल्टा और फिर से हमें 3 फंदों में 3 फंदा बनाना है। ये हमारी दूसरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई। ये हमारी दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हमें हमारी तीसरी सिलाई जो है उसे पहली सिलाई की जैसे सीधी बुननी है। पूरी सिलाई हमें सीधी बुननी है, बुनकर कंप्लीट करनी है। नॉर्मल सीधा जैसे हमने पहली सिलाई अपनी बुनी है। पहली और तीसरी सिलाई सेम बनी जाएगी। ये हमारी तीसरी सिलाई भी कंप्लीट हो रही है। अब हमारी आखिरी और चौथी सिलाई इस डिज़ाइन की आ गई है। अब हमारी चौथी सिलाई आ गई। चौथी सिलाई में हमें ये ध्यान रखना है
कि पहली सिलाई दूसरी सिलाई में जैसे हमने शुरू में तीन फंदों का तीन फंदा बनाया था, लेकिन चौथी सिलाई में हमें पहले दो फंदे उल्टे बुनने हैं, दो फंदे उल्टे बुनेंगे और उसके बाद हमें तीन फंदों का तीन फंदा बुनना है। तीन फंदों का तीन फंदा बनाएंगे, शुरू में दो फंदे उल्टे बुनने के बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे, फिर हमें एक नॉर्मल उल्टा फंदा बुनना है, फिर हमें तीन फंदों का तीन फंदा बनाना है, फिर हमें एक नॉर्मल उल्टा फंदा बुनना है, फिर हमें तीन फंदों का तीन फंदा बुनना है, फिर हमें एक नॉर्मल फंदा बुनना है। इसी तरीके से हमें पूरी चौथी सिलाई कंप्लीट करनी है। बस हमें शुरू में ध्यान रखना है कि दो फंदे उल्टे बुनेंगे हम और उसके बाद डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तीन फंदों का तीन फंदा और उसके बाद एक फंदा उल्टा, और जो दो फंदे ये बचेंगे ये हमें उल्टे बुन लेने हैं। ये हमारी डिज़ाइन पूरी हो गई। इस डिज़ाइन को आप दो कलर में भी डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन में हमें चार के मल्टीपल में फंदे यूज़ होंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप कोई भी किसी भी रंग का यूज़ कर सकती हैं। ये डिज़ाइन बनकर तैयार है।